Hello guys, welcome back to my YouTube channel Abhi's Fact, and today we are going to dive into the future. Yeah, you heard it right. We're going to explore the exciting unknown territory of 2024 and how it's going to impact our lives. So before we jump into details, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon for our upcoming notifications. तो बस इस वीडियो के समरी में आपको एक छोटी सी क्लिप में देने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को आगे स्किप मत करना और इस पार्ट को जरूर देखना। तो इस वीडियो की बात करते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के बारे में, क्या क्या प्रेडिक्शंस करी गई थी 2023 में, जो कि 2024 को 2023 से बहुत अलग बनाता है। तो हम सबको पता है कि इस साल तो बहुत बड़ी 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 चीजें होने वाली है, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में ले तो T20 वर्ल्ड कप, पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स पेरिस, बहुत कुछ होने वाला है इस बार। और अगर आप पॉलिटिक्स में ले तो US के इलेक्शन, इसराइल इंडिया के इलेक्शन, बहुत कुछ, बहुत बड़ा 2024 इज गोइंग टू ब्लास्ट द वर्ल्ड। तो बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट हम लेने वाले हैं ग्लोबल चेंजेस इन पॉलिटिक्स। पहले पार्ट में आप सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे कि क्या प्रेडिक्शंस करी गई है पॉलिटिक्स को लेकर, और दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स को लेकर क्या क्या प्रेडिक्शंस करी गई थी हमारे 2023 में, तो क्या वो फुलफिल होगी, तो उसी को एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और तीसरा पार्ट है हमारा क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंजेस मतलब कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे सोशलिस्टिक चेंजेस को हम कैसे देखते हैं, उसके बारे में एनालाइज करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो ये थी हमारी इस वीडियो की समरी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो फिर से पावर में आएंगे और व्हाइट हाउस पर राज करेंगे, और इसकी प्रेडिक्शन परसेंटेज 55% बताई गई है। सेकंड पॉइंट है कि नेतन्याहू विल बी अनसीटेड एज इजराइल प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि नेतन्याहू जी की कुर्सी जाने वाली है और इसकी परसेंटेज 75% बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के लिए, कि नरेंद्र मोदी विल रिमेन एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इसकी हाइएस्ट परसेंटेज 85% बताई गई है। और चौथा है कि विल बिकम मैक्सिको फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट और इसकी हाईएस्ट परसेंटेज बताई गई है 90%, मतलब कि मेक्सिको उसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मिलने वाली है। इवेंट की बात करते हैं जो कि 2024 में होने वाले हैं, तो सबसे पहला गेम जो होने वाली है वो पेरिस में होने वाली है और वो है ओलंपिक 2024। उसके बाद आएगा पैरालंपिक गेम्स, उसके बाद आएगी यूरो 2024, उसके बाद अमेरिकाज कप सेलिंग की एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें आप बोट्स को चलाते हैं और बोट्स के बिटवीन कॉम्पिटिशन होता है, एंड इसके बाद आती है T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, उसके बाद आता है केंटकी डर्बी, उसके बाद मोनाको ग्रैंड लिक्स, उसके बाद आता है विंटर एक्स गेम्स, उसके बाद आता है टूर डू फ्रांस फेमिनिस जो कि सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है, जो जिसमें वो ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस करने जाते हैं फ्रांस। पार्ट हमने बताया था कि हमारी वीडियो का रहने वाला वो रहने वाला है सोशलिस्टिक चेंजेस का, और सोशलिस्टिक चीज जिसमें सबसे पहले जो कि बवंडर मचा देगा वो है ओपन एआई विल रिलीज चैट जीपीटी 5 बाय द एंड ऑफ नवंबर 2024, और इसकी चांसेस बताए गए हैं 80%, मतलब ओपन एआई जो कि जिसे हम चैट जीपीटी कहते हैं वो अपना फिफ्थ वर्जन निकालने वाला है। बात आता है कि राइज इन इंटेलिजेंस मशीन्स, मतलब ये ओपन एआई तो बस एक 0.5 अगर हम कहना चाहे तो 0.5 है पूरे यूनिवर्स का, ऐसी इंटेलिजेंस मशीन्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इस 2024 में। 2024 में नेक्स्ट जो हमारे सोशलिस्टिक चेंजेस आने वाली वो है जनरेशन गैप में, जनरेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है एज कम्पेयर टू 2023 से। और इसके बाद आते हैं कल्चरल वॉर्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है हमें 2024 में, क्योंकि इस ईयर लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग बहुत ज्यादा चलने वाला है। और ऐसा बताते आता हूँ कि 2024 विल बी हॉटर देन 2023। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है सच में तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को आगे बहुत ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, और आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तेरे अभी इस फैक्ट तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।